प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की काउंटडाउन शुरुआत हो गई है। 22 सितंबर को ह्यूस्टन में ट्रंप के साथ भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जी न्यूज पर अमेरिका से सबसे बड़ी कवरेज। बिहार में गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत। निचले इलाकों में कई गांवों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर में फिर पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। सांबा सेक्टर में गोलीबारी। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पर विवादित बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मणिशंकर अय्यर को जूतों से पीटा जाना चाहिए। उद्धव ने कहा कि अगर वीर सावरकर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। उद्धव ने राहुल गांधी पर भी हमला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला पाकिस्तान कश्मीर भारत का हिस्सा है। जी मीडिया के एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने भरोसा जताया कि एक दिन पीओके भारत के नियंत्रण में होगा। कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार का पता लगाने के लिए सीबीआई ने विशेष टीम का गठन किया है। राजीव कुमार जांच में शामिल होने से लगातार बच रहे। मंगलवार को भी राजीव कुमार सीबीआई कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया है पिछले 6 हफ्तों से जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली है। दिल्ली में AIMA में दीक्षांत समारोह के दौरान अमित शाह ने यह बात कही है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को हर तरफ की सहायता दी जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को देखकर देश भर के लोग और राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। गडकरी के मुताबिक इस एक्ट के तहत जुर्माने को लेकर जो लोग मायूस या नाखुश थे वो भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं। डीआरडीओ ने हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। 70 किलोमीटर के अधिक रेंज तक मार करने वाले इस मिसाइल को सुखोई 30 फाइटर जेट से दागा गया था जिसने सटीक निशाना साधा। स्वाभिमान पार्टी के नेता नारायण राणे जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। राणे के मुताबिक इसको लेकर उनकी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत हो गई है। हालांकि राणे के बीजेपी में शामिल होने पर शिवसेना के एतराज हैं।